वेद कथायम आयुर्वेद महापुराण 21 कुंडीय महायज्ञ के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे हुए पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, हनुमान जी महाराज और शिव शंकर भगवान की हम लोग यहाँ मंदिर में उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जब भी यहाँ पधारते हैं तो भगवान के सामने शीश झुका करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और मन में कल्पना करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे आशीर्वाद दे, जिस जीवन में जो उद्देश्य लेकर मैं चला हूं उसको पूरा करो और जो मेरी मनोकामना है वो परमात्मा पूरी करे। हर व्यक्ति सोचता है जब भी घर से हम लोग निकलते हैं तो ये बात अपने अपने इष्ट की पूजा करके निकलते हैं कि उनके सामने सर झुकाते हैं कि मैं इस काम के लिए निकला हूं, आज मेरा ये काम संपूर्ण हो और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, उसी के से हमारा काम भी पूर्ण होता है। लेकिन हम जैसे लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, वो सारे देवी देवताओं को पूजते हैं, कोई मंदिर छोड़ते ही नहीं है। उसके साथ साथ जनता का जो मंदिर है, उस जनता के मंदिर में हमारे जितने भी सामने बाबा बैठे हैं भगवान के रूप में और हमारी ये जितनी भी दादी माँ बैठी है सारी हमारी देवी के रूप में होती है, हम इनकी भी पूजा करते हैं साथ के साथ कि हे परमात्मा, आपका भी आशीर्वाद जीते जागते हमें मिले। शिव भोले भगवान को, हनुमान जी भगवान को तो हम लोग अदृश्य पावर के रूप में देखते हैं कि उनकी ताकत हमारे साथ रहती है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जीते जागते भगवान आप लोग बैठे हो, आप भी राजनीतिक में जीवन के अंदर हमें आशीर्वाद देते हो, उसी की ताकत से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज से 5 साल पहले मैं आपके बीच में आया था, आप सब लोगों ने मिलकर के और मुझे आशीर्वाद देने की चेष्टा करी थी, लेकिन कलम की ताकत मुझे नहीं मिल पाई और दिन रात आपके बीच में घूमता रहा। उसके बाद जब भी कभी आपके बीच में आया, गांव में आया, ढाणी में आया, खुशी में, कभी में, मेले में, मकरिये में, अरे हेलो भैया भाष्य जी, आनंद जब आपको भी नहीं आता बोलते तो कोई मन से बोलता है, बराबर शोर कर रहे हो। जीवन में जब भी कभी आपके बीच में आए, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने कहा कि भाई टिकट वाला काम तेरो और बाकी काम मारो, पर टिकट वाला काम मैं कर लाया, अब दोनों हाथ से मिलके आप लोग आशीर्वाद देना। मैं इस मंदिर के प्रांगण में आपको वचन देता हूँ कि जीवन में कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमने ललित यादव को समर्थन देकर के हमने गलती की। आप जीवन में ये बात सोचोगे कि हमने सूर्य को पिछली बार आशीर्वाद देकर के विधानसभा भेजना चाहिए था, कि विश्वास आपको देकर के जा रहा हूँ। पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी तभी आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। आज यहाँ पधारने पर ढेलावास गांव और अड़ोस पड़ोस की बस्तियों की तरफ से जो आप लोगों ने मुझे ये पगड़ी पहनाई है, जो मुझे ताज पहनाया, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस मंदिर के प्रांगण में कि इस पगड़ी के मान और सम्मान को, पगड़ी की इज्जत को हमेशा बना के रखूंगा, जीवन में इस पगड़ी के मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा आप सबको आशीर्वाद दे, आप लोग जीवन में आगे बढ़े। परमपिता परमात्मा आपको वो आशीर्वाद दे जो आप लोग कल्पना करते हो, मेरा बेटा बेटी सफल होकर के सरकारी नौकरी में लगे और मेरे घर परिवार को चलाने काम करे, ये बाबा के चरणों में हाजिर लगाते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार संहिता की